अगर आपका AMH यानी कि एग रिजर्व कम है तो क्या आप उसे बढ़ा सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे बढ़ा सकते हैं? उसके लिए आपको क्या मेडिसिन लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। हाय, मैं डॉक्टर मंजुश्री कोठेकर हूँ। मैं IVF स्पेशलिस्ट हूँ। मैं मुंबई में प्रैक्टिस करती हूँ। मेरा क्लिनिक मुंबई में चेंबूर और घाटकोपर एरिया में है। और मेरा अपार्ट फ्रॉम क्लिनिकल प्रैक्टिस पैशन ये है कि मैं पेशेंट्स को एजुकेट करूँ, अवेयरनेस क्रिएट करूँ, और इसी के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जो सारे आपके क्वेश्चंस को आंसर कर सके। तो और भी वीडियोस आपको इसमें मिल जाएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पे, लेकिन आपको इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मत भूलिएगा। हाय, तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है लो AMH और उसे हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि AMH क्या होता है। AMH जिसको हम अगर लॉन्ग फॉर्म उसका बोलेंगे तो एंटी मुलेरियन हार्मोन ये है, और इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ये भी बोलते हैं कि एग रिजर्व। तो बेसिकली कोई भी औरत जब पैदा होती है तब ओवरीज में एक फिक्स नंबर ऑफ फॉलिकल्स लेके पैदा होती है। मान लीजिए कि ये उसका फिक्स डिपॉजिट है, जो वो पैदा होते वक्त मम्मी के वोम से जब बाहर आती है तब वो उसके साथ ही बॉर्न होती है। जब वो उसका पीरियड्स आना चालू हो जाता है, उसके बाद ये जो फिक्स डिपॉजिट ऑफ फॉलिकल्स है जिसके अंदर एग्स है, उसमें से कुछ कुछ फॉलिकल्स हर महीना आगे आते हैं। जो भी फॉलिकल्स आगे आते हैं उसमें से एक फॉलिकल बढ़ता है, मैच्योर होता है, उसका एग रिलीज भी होता है उनके इंटरनल हार्मोन्स की वजह से। हर साइकिल में, मिड साइकिल में वो कभी तो रिलीज होगा, ओवुलेशन होगा, उसके बाद या तो प्रेगनेंसी होगा या वो एग वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद पीरियड आ जाएगा। तो एवरी साइकिल ये चक्कर चलता रहता है। तो ऑब्वियसली हर साइकिल में जो टोटल नंबर है फॉलिकल्स का, उसमें से थोड़ा 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 कम होता जाएगा। तो इसके लिए जैसे जैसे एज बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये फिक्स डिपॉजिट में जो भी अमाउंट है वो कम होता जाएगा, जिसे हम बोलते हैं कि एग रिजर्व कम होता जा रहा है। और जो हमें पता चलता है या तो सोनोग्राफी से, एंड सेकेंड इज AMH जो ब्लड टेस्ट है, एंटी मुलेरियन हार्मोन। तो अगर आपका ये AMH टेस्ट हुआ है और आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपका AMH कम है, तो क्या कर सकते हैं उसको बढ़ाने के लिए? क्या आप बढ़ा सकते हैं उसको? तो अनफॉर्चुनेटली इस क्वेश्चन का आंसर तो नो है। अभी तक साइंस ने ऐसा कुछ टेक्निक डेवलप नहीं किया है जिससे हम आपका AMH बढ़ा सके या एग रिजर्व बढ़ा सके। जो भी फिक्स डिपॉजिट था, जो भी स्टोरेज था, उसमें हम नया कुछ ऐड नहीं कर सकते, उससे हम विड्रॉ कर सकते हैं बस। तो क्या हम AMH बढ़ा सकते हैं? इसका आंसर नो है। लेकिन क्या दूसरा कुछ ऑप्शन है? तो जरूर है। जो भी एग्स अपने पास बचे हुए हैं, जो भी फॉलिकल्स बचे हुए हैं, भले भी वो कम रहेंगे, हंड्रेड्स में रहेंगे जो कि लैक्स में होने चाहिए उसकी जगह पे, लेकिन उनका अगर हम क्वालिटी इंप्रूव कर पाए तो जो भी फॉलिकल्स हैं, जो भी एग्स है, उससे ही हमारा काम हो सकता है। बेसिकली हमें ये सब प्रेगनेंसी के लिए चाहिए। तो प्रेगनेंसी के लिए अगर एक एग भी अच्छा होगा तो भी प्रेगनेंसी हो जाएगा। तो ये क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए हम कुछ मेडिसिंस दे सकते हैं, जो है एंटीऑक्सीडेंट्स है, विटामिन्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि कोएंजाइम क्यू दे सकते हैं, उसके साथ DHEA भी दे सकते हैं, जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है बेसिकली, विटामिन ई भी दे सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसके लिए देते हैं कि जो भी फॉलिकल्स बचे हुए हैं उनमें जो एग है उनका हम थोड़ा बहुत क्वालिटी इंप्रूव कर सके, ताकि उनका जब काम आए, जिस साइकिल में वो बाहर आ रहे हैं ग्रो होने के लिए, उस टाइम पे हमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस विषय में कुछ डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपको मिलने के लिए आना है तो मेरा क्लिनिक मुंबई में है, चेंबूर एरिया में। आप वहाँ पे कंसल्टेशन के लिए आ सकते हैं, और यूट्यूब से आने वाले पेशेंट्स को फर्स्ट कंसल्टेशन फ्री रहेगा। थैंक यू।